नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। धरती पर जब पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान अवतरित होकर पापियों का नाश करते हैं। सदियों से धरती पर उत्पन्न होने वाले संकटों के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने 23 बार अवतार लिया। अब उनका आखिरी 24वां अवतार कल की धरती का उद्धार करने के लिए अवतरित होगा। आज हम आपको भगवान विष्णु के 23 अवतारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम श्री सनकादि मुनि। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के सृजन में पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार नाम के चार मुनियों के रूप में अवतार लिया। यह चारों प्राकट्य काल में ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। यह भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। सनकादि मुनि की स्तुति का उल्लेख सनकादिक, ब्रह्मादिक, मुनिसा तो हनुमान चालीसा में भी मिलता है। दूसरे अवतार वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने वराह रूप में दूसरा अवतार लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब भगवान ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतरण लिया। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता चलाया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वह पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। देवऋषि नारद के रूप में लिया तीसरा अवतार। देवऋषि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवऋषि पद प्राप्त किया था। वह भगवान विष्णु के परम भक्तों में से भी एक माने जाते हैं। देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए धर्म के प्रचार व लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। शास्त्रों में तो देवऋषि नारद को भगवान का मन भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि देवऋषियों में मैं नारद हूँ। देवऋषि नारद भगवान श्री विष्णु के तीसरे अवतार थे। नर नारायण का चौथा अवतार। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए दो रूपों नर और नारायण के रूप में एक साथ अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र, वक्ष स्थल में श्री वस के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। कपिल मुनि थे पांचवें अवतार। भगवान विष्णु ने पांचवां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। कपिल मुनि के पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। छठे दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने अपने पति व्रत पर गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उनके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे। तीनों देवियों के पास अलग अलग जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं है। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामियों को बताई और उनसे कहा कि अनसुईया के पतिव्रत की परीक्षा लें। तब भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा साधुओं का वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनसुईया से भिक्षा मांगी, मगर यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनसुईया पहले तो यह सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं के अपमान से डरकर उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और बोला कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु बच्चे बन जाएं। ऐसा बोलते ही त्रिदेव बच्चे बनकर रोने लगे। अनसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान करवाया। तीनों देवों के वापस ना आने पर सभी देवियां परेशान हो गई। तब नारद मुनि ने उन्हें सारी बात बताई। आखिर तीनों देवियों ने अनसुईया के पास आकर क्षमा मांगी। तब देवी अनसुईया ने त्रिदेवों को असल रूप प्रदान कर दिया। इस घटना के बाद देवों ने प्रसन्न होकर उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया। तब ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। 7वें अवतार यज्ञ।
भगवान विष्णु के सातवें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मन्वंतर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वह रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ और उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र पैदा हुए। ये 12 पुत्र ही याम 12 देवता कहलाए। भगवान ऋषभ देव थे 8वें अवतार। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, इस कारण धर्मपत्नी मेरु देवी के 7 पुत्र कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र का नाम ऋषभ देव रखा गया। 9वां अवतार आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के 8वें अवतार का नाम आदिराज पृथु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के संग हुआ। उनके यहाँ वेन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों के मंत्रों से राजा वेन के घर पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पृथु श्री हरि के अंश के रूप में अवतरित हुए हैं। मत्स्य अवतार 10वां अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार के रूप में अवतरण लिया। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा और सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली का आकार बढ़ता गया। राजा ने उसे अपने सरोवर में रखवा दिया। वहाँ भी मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। राजा से बोले, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी, तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। इस दौरान मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। 11वां अवतार कुर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कुर्म यानी कछु का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कुर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया। मंदराचल के नीचे कोई आधार ना होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कुर्म का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल का आधार बने। भगवान कुर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन पूर्ण हुआ। भगवान धन्वंतरी हैं 12वें अवतार। देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पिया। इसके बाद समुद्र मंथन से घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यह धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। मोहिनी अवतार थी 13वीं अवतार। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। जैसे ही अमृत मिला, अनुशासन भंग हो गया। देवता और दैत्यों दोनों में अमृत पाने की होड़ लग गई। इसी खींचातानी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भाग गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान ने मोहिनी रूप में सबको मोहित कर दिया। मोहिनी अवतार ने कहा कि यह अमृत कलश मुझे दे दीजिए, मैं बारी बारी से सभी को अमृत का पान करा दूंगी। देवता एक तरफ तथा असुर दूसरी तरफ बैठ जाएं। भगवान विष्णु ने नृत्य के दौरान केवल देवताओं को अमृत पान करवाया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया। भगवान नरसिंह के रूप में किया था राजा हिरण्यकश्यप का वध। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था।
उसे ना मनुष्य ना देवता ना पक्षी ना पशु ना दिल में ना रात में ना धरती पर ना आकाश में ना अस्त्र से ना शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। बेटे की भक्ति से अप्रसन्न होकर प्रहलाद को मृत्यु दंड दे दिया। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में खंभे से प्रकट हुए। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु का यह 14वां अवतार है। वामन अवतार के रूप में किया दैत्यराज बलि का वध। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से पैदा होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलवाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए। उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर 1 पग से धरती और दूसरे पग से स्वर्ग लोक नाप लिया। जब 3रा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सर पर पग रखने को कहा। बलि के सर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की दान वीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग दोबारा लौटाया। हयग्रीव अवतार ने किया था मधु कैटभ का वध। एक बार मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान था। तब भगवान हयग्रीव ने रसातल में पहुंचकर मधु कैटभ का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा जी को ला कर दिए। यह अवतार भगवान विष्णु का 16वां रूप था। श्रीहरि अवतार में किया मगरमच्छ का वध। प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां पर मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ने लगा तो उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। यह रूप भगवान श्री विष्णु का 7वां रूप था। परशुराम है विष्णु के 18वें अवतार। परशुराम जी भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक हैं। इस रूप में भगवान परशुराम जी ने अधर्म करने वालों का नाश किया। उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह भगवान श्री विष्णु के 18वें अवतार हैं। इस अवतार को अमर कहा गया जो आज भी इस धरती पर तपस्या में लीन है। महर्षि वेदव्यास थे भगवान विष्णु का अंश। महर्षि वेदव्यास को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कला अवतार हैं। वेदव्यास महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र रूप में प्रकट हुए। उनका जन्म कैवर्तराज की पोष्य पुत्री सत्यवती के गर्भ से हुआ था। जमुना के द्वीप पर हुआ था। इन्होंने मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए, इसलिए उन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास 19वें अवतार थे। हंस अवतार के रूप में हुए अवतरित। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम में चले गए। हंस अवतार 20वें अवतार थे। श्री राम थे 21वें अवतार। भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में 21वां अवतार लिया। त्रेता युग में राक्षस राज रावण के आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान श्री राम ने अनेकों राक्षसों का वध कर मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के आदेशानुसार वह वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया।
सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भयमुक्त किया। 22वें परमावतार थे श्री कृष्ण। द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 22वां अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया, कंस का वध किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी रूप में प्रेम की खूबसूरत व्याख्या की। बुद्ध के रूप में 23वां अवतार। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 23वें अवतार थे। भगवान बुद्ध का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ था। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई, देवता भी उनके भय से भागने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। भगवान बुद्ध के रूप में भगवान श्री विष्णु दैत्यों के पास पहुँचे। उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। कल्कि अवतार का अवतरण होना बाकी। कलयुग में भगवान विष्णु अपने आखिरी 24वें अवतार कल्कि रूप में अवतरित होंगे। कल्कि का अवतरण कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराण के अनुसार कल्कि का अवतरण उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर होगा। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, ये थी श्री भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।